बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अपमानजनक पोस्ट से सियासत गरमा गई है। ये विवाद थम नहीं रहा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की सफाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए। मालवीय ने कहा कि अगर आपका अकाउंट वही पोस्ट कर रहा है जिसे पैरोडी अकाउंट ने पोस्ट किया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों अकाउंट के एडमिन एक ही हैं। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को विक्षिप्त होने की हद तक आत्मअभिमानी होना पड़ता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि कंगना की राजनीति में शुरुआत इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत की इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनावत की एक तस्वीर शेयर की गई थी। इसमें एक अपमानजनक कैप्शन लिखा गया था और इस पोस्ट को बाद में हटा दिया गया। हालांकि सुप्रिया का कहना है कि उनके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला गया था, जिससे एक गड़बड़ी हुई। श्रीनेत ने दावा किया है कि ये पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। इस बीच NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वो इस संबंध में निर्वाचन आयोग से संपर्क करेंगी। शर्मा ने भाजपा के सदस्य तंजिंदर बग्गा द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कंगना रनावत आप एक योद्धा हैं और चमकता सितारा हो। असुरक्षित महसूस करने वाले लोग घटिया हरकतें करते हैं, यूं ही चमकती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तजिंदर बग्गा निर्वाचन आयोग को पत्र लिख रही हूं। वहीं सुप्रिया के पोस्ट पर कंगना ने जवाब दिया और कहा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। कंगना ने आगे कहा, सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार हैं। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधन से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सुप्रिया ने अपने एक बयान में दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और अपमानजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई, मैंने वो पोस्ट हटा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, जो भी मुझे जानते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी भी महिला के लिए व्यक्तिगत भौंडी बातें नहीं करती। मेरी जानकारी में आया कि पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट पर चल रहा था, यहाँ से किसी ने ये पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मैं ऐसे करने वाले की पहचान में लगी हूँ। बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और सुप्रिया के पोस्ट की निंदा की है। NCW प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। NCW ने कहा है और गंभीरता से लिया है कि हमने पार्टी और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा है। न केवल एक नेता बल्कि दो नेता ट्विटर पर एक ही बात कर रहे हैं और बाद में इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया। उन्हें कंगना से माफ़ी मांगनी चाहिए। वे अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और दोनों से बेहतर आचरण की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि सोनिया जी इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। कंगना का जवाब बहुत गरिमापूर्ण है और उन्होंने गरिमा के साथ अपना पक्ष रखा। एक शिकायत चुनाव आयोग को पहले ही भेजी जा चुकी है।